कांग सर, नेक्स्ट ईयर बताइए सर, अब कहां नजर रखें? ऊर्जा होनी चाहिए ये सबके लिए, तो ऊर्जा क्षेत्र को हमने पसंद किया है अभिषेक, और वहां से निजी क्षेत्र की कंपनी जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कॉरपोरेट जगत से आती है वो है टाटा पावर। ये कंपनी भी हम करीबन 150-200 से निवेश की राय दे रहे हैं और निरंतर परिणामों में सुधार होते होते और कारोबार की रणनीति आगे बढ़ते हुए हमने हमारे लक्ष्यांक को भी आगे बढ़ाया है। 585 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। ये कंपनी ऊर्जा उत्पादन तो करती है लेकिन उसके साथ साथ वित्तीयकरण भी करती है थोड़े पैमाने पर, और आने वाले समय में जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन में ये अपने नक्शे कदम रखेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन इन्होंने खोल रखे हैं, और अनुमानित जिस प्रकार से सरकार के तरफ से योजनाएं हैं नई ऊर्जा उत्पादन को लेकर के, ये पूरा समीकरण हमें लग रहा है कि टाटा पावर के लिए और टाटा पावर जैसी बाकी अन्य जो कंपनियां हैं उनके लिए काफी सक्षम और सकारात्मक उभर सकता है। 585 का लक्ष्यांक टाटा पावर। एक टाटा ग्रुप की कंपनी, देखिए साल टू सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है टाटा पावर, और मतलब हर किसी को टच करने वाला ग्रुप है। क्रेडिबिलिटी को लेकर मतलब आप उसका मिसाल दे सकते हैं। टाटा पावर एक शेयर आपके लिए 417 के भाव पर है, लेकिन साल भर आप रखिए, क्योंकि हम पावर शेयरों में देख रहे हैं कि अच्छा उनके लिए कोई ऐसा संकट नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ने वाली है, डिमांड आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, तो तमाम चीज़ें हैं ट्रिगर्स हैं इसके लिए। 585 रुपये का टारगेट आपके लिए, एक साल का टारगेट, और नए नए वर्टिकल्स में भी कंपनी ने एंट्री की है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा टाटा पावर कोशिश कर रही है। चार्जिंग इंफ्रा को लेकर भी कंपनी की ये बहुत पैनी नज़र है कि उसके जो मौके आ रहे हैं उसको कैसे भुनाए जाएं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप इस पर भरोसा कीजिए। 585 रुपये का टारगेट आपके लिए इसमें आएगा, एक साल में 417 रुपये के आसपास का भाव है। एक और शेयर हो गया गौरांग सर की तरफ से, रक्षा तो हो गई, अब कोई लड्डू वाला भी कोई शेयर है सर? उस पर भी आएंगे। तो जोमैटो को पसंद किया है क्योंकि आपने लड्डू का जिक्र किया है, और इस कंपनी पर आपको पता है हम हमारे ही चैनल लीटी नाउ स्वदेश पर जब से आईपीओ आया था उसके पश्चात उसको लेकर के जो कि ब्लिंकेट कारोबार है इनका अभिषेक, वो बहुत ही अच्छा योगदान दे रहा है। वही अनुमान और आकलन हमारा था और उसी तर्क के आधार पर हमने यहाँ पर निवेश की राय दी है। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्यांक मैं दे रहा हूँ आपको जोमैटो में निवेश करने के लिए करीबन 330 का, ये भी बुनियादी तर्क के आधार पर है, तो समय सीमा आपके पास पर्याप्त होनी चाहिए। और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पर मैं जोमैटो की बात कर रहा हूँ, और आने वाले समय में शायद ये भी सुनने में आया कि स्विगी भी अपना एक आईपीओ लेकर के आएगी, तो प्रतिस्पर्धा तो है ही, लेकिन जोमैटो की जो एक तख्त बना के रखा है मेरे ख्याल से उसको हिलाने के लिए कोई भी प्रतिस्पर्धी सामने नहीं आया। तो 330 के लक्ष्यांक है जोमैटो पर। टारगेट होंगे जोमैटो पर, और इस वक्त 260 रुपए के आसपास का भाव है जोमैटो ने। मतलब ब्लिंकिट का कमाल का हमने देखा कि टर्नआउट किया गया वहाँ पर, और इसमें जो ब्रोकरेजेस भी हैं ना वो भी काफ़ी बुलिश होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस पर भी आप नज़र रखिएगा जोमैटो को लेकर। टिकटिंग कारोबार भी इन्होंने ख़रीदा है पेटीएम से, जोमैटो के लिए ये टारगेट हो गया।